वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में बड़े फेरबदल की अटकलें तेज। दिल्ली में अमित शाह से दो दिन में दूसरी बार मिले सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश सरकार में बड़े फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। लगातार दो दिन दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बड़ा फैसला ले सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले दो दिनों में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं। तीसरी बार मेट्रो का मुहूर्त, 162 पिलर्स की पाइलिंग से शुरू होगा काम। आखिरकार तीसरी बार इंदौर मेट्रो का काम शनिवार से शुरू हो गया। कॉन्ट्रैक्टर दिलीप बिल्डकॉन का कुछ स्टाफ पहुंच चुका है और बाकी 200 लोगों का स्टाफ और 300 लेबर अगले सप्ताह पहुंचेंगे। अभी MR10 पर पत्रों का अलाइनमेंट शुरू किया गया है। 15 अगस्त के आसपास बचे हुए 162 पिलर्स की पाइलिंग का काम शुरू होगा। प्रमुख सचिव व मेट्रो के MD मनीष सिंह इंदौर पहुंचे। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में दाखिले की प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में कल से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। बीएड कॉलेज में प्रवेश के लिए भी पंजीयन शुरू हो गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 1450 निजी और सरकारी कॉलेजेस के आगामी सत्र 2021-22 की गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी है। UG में प्रवेश के लिए पंजीयन 12 अगस्त तक चलेंगे। इस बार विभाग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ई प्रवेश के लिए निर्देश दिए हैं। शिवराज बीडी के बीच अंतिम दौर की बैठक। जिलों के संगठन मंत्रियों को मिलेगी नई जिम्मेदारी। प्रवक्ता और पैनलिस्ट के नाम होंगे फाइनल। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में जल्द ही नियुक्तियों के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अंतिम चरण का मंथन करने रविवार को शहर से दूर कोलार डैम रेस्ट हाउस पहुंचे। इस बैठक के दौरान जिलों के संगठन मंत्रियों को नई जिम्मेदारी देने पर भी चर्चा हो सकती है। किसानों के फायदे के लिए सरकार लाने जा रही है योजना, निजी क्षेत्र में हो सकेगा पौधारोपण। मध्य प्रदेश सरकार जन कल्याण की कई योजनाएं चलाती है। प्रदेश सरकार एक और महत्वाकांक्षी योजना लागू करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र में पौधारोपण को प्रोत्साहन देना होगा। इस योजना के तहत सरकार प्रदेश में पौधारोपण को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के किसानों की आय बढ़ाने पर भी फोकस करेगी। MP सरकार की नई योजना के विरोध में अब शिक्षक भी आंदोलित। MP सरकार की नई योजना के विरोध में अब शिक्षक भी आंदोलित हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये नई योजना तत्काल वापस लेने की मांग की है। बता दें कि इससे पहले राज्य कर्मचारी सरकार की नई पेंशन योजना को लेकर आंदोलित रहे। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिया। 40,000 करोड़ के काम पर तीसरी एजेंसी रखेगी नजर। मध्य प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की राशि से चल रहे जल जीवन मिशन योजना पर अब सरकार निगरानी रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन में गड़बड़ी रोकने, निर्माण कार्यों के निरीक्षण, भौतिक सत्यापन और मॉनिटरिंग के लिए सरकार थर्ड एजेंसी की मदद लेगी। इसके लिए हर जिले में एक एजेंसी को नियुक्त किया जा रहा है। सड़कों का डेटा बनवा रही मध्य प्रदेश सरकार, मोबाइल ऐप पर मिलेगी सारी जानकारी। मध्य प्रदेश में सड़कों पर नजर रखने के लिए शिवराज सरकार नवाचार करने जा रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ऐसा ऐप तैयार कर रहा है जिसमें प्रत्येक सड़क की पूरी जानकारी रहेगी। एक क्लिक पर पता चल जाएगा कि सड़क का निर्माण कब हुआ, किसने बनाई, किस विभाग की है, कितनी लागत आई, गारंटी पीरियड कब तक है। इसका फायदा ये होगा कि जब भी मंत्री या अधिकारी दौरा करेंगे तो सड़क के खराब होने पर जानकारी जुटाने और संबंधितों के बारे में पड़ताल करने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश को इस माह के अंत तक मिल सकते हैं 866 चिकित्सा अधिकारी। प्रदेश को इस महीने के अंत तक 866 मेडिकल ऑफिसर मिलने की उम्मीद है। लोक सेवा आयोग से चयन होने के बाद प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में इन डॉक्टर्स की पदस्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई। पसंदीदा जिले और अस्पताल में पदस्थापना के लिए MP ऑनलाइन के जरिए पंजीयन होगा। इसके बाद 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच चिकित्सक अपनी पसंद भर सकेंगे। 10 अगस्त तक बढ़ाई धारा 144, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए जिले में लागू कोरोना कर्फ्यू में छूट और प्रतिबंधों से संबंधित धारा 144 अब 10 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही जिले के नगरीय क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक यथावत रहेगा। कलेक्टर व जिला दंड अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किए हैं। अब 25 अगस्त से ले सकेंगे RTE के तहत निजी स्कूल्स में प्रवेश।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल्स में प्रथम चरण की लॉटरी के बाद रिक्त सीट्स पर आवंटन हेतु द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से 25 अगस्त तक प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के लिए पंजीकृत आवेदक द्वितीय चरण की लॉटरी के लिए 4 से 11 अगस्त तक स्कूल की पसंद अपडेट कर सकते हैं। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह बीए बीकॉम और बीएससी की पूरक परीक्षा। सत्र 2021-22 के लिए 1 अगस्त से उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही विभाग ने एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है। पहले चरण की काउंसलिंग पूरी होते ही सितंबर से कॉलेजेस में कक्षाएं प्रारंभ करना है। यहां तक कैलेंडर में यूजी कोर्स की पूरक परीक्षाओं को लेकर भी शेड्यूल बनाया गया है, जिसमें प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों को 10 दिनों के भीतर परीक्षा करवानी है। यूजीपीजी की ओपन बुक परीक्षा में नहीं होगा रिव्यू। संक्रमण के चलते यूजीपीजी की ओपन बुक पद्धति से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने परीक्षा करवाई है। परिणाम भी घोषित करना शुरू हो चुके हैं, मगर रिजल्ट में कम अंक मिलने से असंतुष्ट विद्यार्थी अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन परीक्षाओं को लेकर रिव्यू की सुविधा नहीं रखी। इसके चलते विद्यार्थी खासे नाराज दिख रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक ओपन बुक पद्धति से परीक्षा करवाने वाले आदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने रिव्यू को लेकर कोई दिशा निर्देश का उल्लेख नहीं किया है। इंदौर से हर दिन 30 तक पहुंची उड़ानों की संख्या। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के बाद उड़ानों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब यहां से हर दिन औसतन 30 व्यावसायिक उड़ानें आ जा रही हैं। वहीं यात्री संख्या भी 3200 प्रतिदिन तक पहुंच गया है। अगस्त में उड़ानें बढ़ने पर यह संख्या और बढ़ जाएगी। एमपी में भारी बारिश की चेतावनी। राजधानी में बन रहे बाढ़ के हालात, रेड अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में झमाझम बरसात का सिलसिला जारी है। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश से भोपाल के बड़े तालाब का वाटर लेवल बढ़ गया। तेज हवा के साथ बड़े तालाब में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। बारिश के चलते निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है, वहीं नदी नाले उफान पर हैं। मौसम केंद्र भोपाल ने प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया और भिंड जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना भारत, जाने क्यों लाल हुआ पाकिस्तान, चीन को भी टेंशन। दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर भारत की ताजपोशी से पाकिस्तान को तीखी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्ष होकर काम करेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान प्रासंगिक नियमों और मानकों का पालन करेगा। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और 2 साल का कार्यकाल है। आरएसी सीट मिलने पर यात्रा ना करें तो क्या टिकट के पैसे वापस कर देती है आईआरसीटीसी। यदि आपने आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट बुक किया है और आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो आपको केवल किराए का पैसा ही वापस किया जाता है, जबकि टिकट बुकिंग करते वक्त कई तरह के अन्य शुल्क भी लिए जाते हैं जिनका पैसा वापस नहीं होता। भारतीय रेल अलग अलग परिस्थितियों में यात्रियों को उनकी टिकट का पैसा लौटा देती है, लेकिन आरएसी सीट मिलने पर आप यात्रा ना करें तो क्या रेलवे आपके किराए के पैसे लौटा देता है। कई लोग आरएसी सीट पर यात्रा करना पसंद नहीं करते। दरअसल आरएसी टिकट पर आपको केवल बैठने के लिए सीट मिलती है, क्योंकि इसमें एक ही सीट पर 2 यात्रियों को बैठना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश करके हर महीने पाएं 3300 रुपए, यहां जाने सब कुछ। देश में जब निवेश की बात आती है तो इंडिया पोस्ट सबसे भरोसेमंद विकल्पों में से एक है। सभी कैटेगरी के नागरिक इस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ये सरकार द्वारा समर्थित है और फायदे के साथ सुरक्षित रिटर्न की गारंटी मिलती है। इंडिया पोस्ट सभी उम्र के लोगों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए निवेश विकल्पों की एक सीरीज प्रदान करता है। ऐसा ही एक निवेश का विकल्प है मंथली इनकम स्कीम, जो एक मुश्त राशि के निवेश के बाद नियमित मासिक पेंशन प्रदान करती है। पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम की ब्याज दर 6.6% है और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बजाय केवल साधारण ब्याज मिलता है। 50,000 रुपए का निवेश करके आप हर महीने 3300 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। निवेशक एमआईएस में 5 साल की अवधि में कुल 16,500 रुपए का ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा में ट्रैक्टर परेड, ये हमारे ही वेश में आएंगे, तिरंगा बदनाम करेंगे, बीजेपी का जिक्र कर किसानों से बोले टिकैत। किसान नेता की टिप्पणी शनिवार को आई। दरअसल किसान संघ के नेताओं ने ऐलान किया था कि नरेंद्र मोदी सरकार के लाए 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान स्वतंत्रता दिवस पर सूबे के जींद में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, पर हरियाणा में भाजपा भी 15 अगस्त के दिन तिरंगा यात्रा निकालने से जुड़ी घोषणा कर चुकी है। ऐसे में किसान नेताओं को शंका है कि उनकी ट्रैक्टर रैली में असामाजिक तत्व घुस सकते हैं और उन्हें बदनाम कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने में नहीं होगी देरी, ईपीएफओ की निर्बाध सेवा योजना देगी ये सुविधा।
अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और रिटायर होने के बाद पेंशन कितने दिनों में लगेगी इसकी चिंता है तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निर्बाध सेवा योजना के लिए आपको रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन उपलब्ध कराएगा। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से 5-7 दिन पूर्व कंपनी पेंशन पेपर तैयार कर विभाग को भेजती है। विभाग द्वारा पेंशन पेमेंट ऑर्डर तैयार कर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के दिन ही उसे प्रदान किया जाता है। इसके बाद कर्मचारी के बैंक खाते में नियमित रूप से पेंशन आनी शुरू हो जाती है। अमृत की कामों में देरी पर भड़के सांसद, कहा नवंबर 2021 तक काम पूरा नहीं हुआ तो आप पर कार्रवाई मैं करूंगा। नवंबर 2021 तक अमृत की पानी का सप्लाई का काम पूरा हो जाना चाहिए, ये नोट कर लीजिए। अक्टूबर तक 56 DMA के काम पूरे होंगे, ये भी नोट करें। जो 40 काम बचेंगे वो नवंबर तक पूरे हो जाने चाहिए, वरना मैं आप पर कार्रवाई करूंगा। सड़कों के रेस्टोरेशन और सड़कों को लेकर स्थिति खराब है, सफाई व्यवस्था में कुछ भी नहीं हो रहा, कचरा वाहनों की मॉनिटरिंग नहीं हो रही, कंट्रोल रूम क्या कर रहा है। अभी सोना खरीदना साबित हो सकता है फायदेमंद, 28,332 रुपए में मिल रहा है 10 ग्राम गोल्ड। अगर सोना या फिर गहने खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, अभी सोना खरीदना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमत में तेजी देखी जा रही है और सोना फिर 48,000 के पार निकल गया है। बावजूद इसके सोना अभी अपने ऑल टाइम हाई 56,254 रुपए से करीब 7,831 रुपए सस्ता मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल 2020 के अगस्त महीने में सोना अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर था। आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। 1 अक्टूबर से इस बैंक का चेकबुक हो जाएगी बेकार। अगर आपका बैंक खाता पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक में है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो जाने के बाद इलाहाबाद बैंक के MICR कोड और चेकबुक 1 अक्टूबर 2021 से बंद हो जाएंगे। इंडियन बैंक ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। 1 अक्टूबर के बाद अगर कोई पुरानी चेकबुक इस्तेमाल करेगा तो पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। 1 अगस्त से महंगा हो गया ATM से रुपए निकालना। अगस्त महीने से वित्तीय लिहाज से कई अहम बदलाव हो गए हैं जो जनता की आर्थिक सेहत पर भी असर डालेंगे। खासतौर पर बैंकिंग सेवाओं के लिए अब उपभोक्ताओं को अधिक शुल्क चुकाना पड़ सकता है, इसमें ATM और चेकबुक से लेन देन शामिल है। साथ ही कुछ सुविधाएं भी शामिल होंगी जिसमें बैंक हॉलीडे पर भी खाते में वेतन आ सकेगा। सिंधु ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार जीता ओलंपिक मेडल। भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के मैच में चीन की शटलर बिंग जियाओ पर 21-13 और 21-15 से जीत दर्ज की है। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को सीधे गेम में 21-13 21-15 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।